हेलो गाइस माय नेम इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू हाउस ऑफ़ एमिशन ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास नाइन्थ क्यों क्योंकि इसमें हम उनकी लिटरेचर की बुक बी हाइव के सारे चैप्टर को डिटेल में करवाने वाले हैं तो जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है द फन दे हैव राइट तो इसमें क्या होता है जो ये स्टोरी है इफ़ यू रीड इट तो आपको समझ में आएगा इसकी जो थीम है जो सेंट्रल थीम है वो है वर्चुअल रियलिटी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है एक ऐसी रियलिटी दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द कंप्यूटर्स जिसे कंप्यूटर्स ने बनाया गया जिसे प्रोग्राम करके बनाया गया है आप ने शायद देखा होगा आप विडियो गेम्स खेलते हैं आप एनिमेशन देखते हैं आप कार्टून देखते हैं ये सारी की सारी जो रियलिटी है इवन इन वीडियो गेम्स वो जो वर्ल्ड दिखाया जाता है दैट इज़ नॉट रियल बट स्टिल इट इज़ देयर एंड यू आर प्लेइंग इन इट तो ये बिकम ये क्या बन जाता है आपका एक वर्चुअल वर्ल्ड जिसे आप देख तो सकते हैं बट छू नहीं सकते क्योंकि वो रियल नहीं है राइट तो ये जो चैप्टर है वो वर्चुअल रियलिटी पे ही बेस्ड है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इस चैप्टर की क्या है दो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं एक का नाम है मार्जी दूसरे का नाम है टॉमी तो जो टॉमी है वो बेसिकली मार्जी को मार्जी के कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए है राइट ये दोनों ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं फॉर एग्जाम मतलब बेसिकली ये उस टाइम की बात करी जा रही है ये उस दुनिया की बात करी जा रही है जो आज से कम से कम सौ दो सौ तीन सौ साल बात की है वेयर जहाँ पर क्या होगा फिज़िकल वर्ल्ड में ज़्यादातर काम जो है वो इंसान नहीं करवा रहे होंगे ज़्यादातर काम कौन करवा रहे होंगे और ज़्यादातर जितनी भी दुनिया होगी वो कौन रन कर रहा होगा मशीन्स के द्वारा रन करी जाएगी रोबोट्स के द्वारा रन करी जाएगी तो उसी तरह क्या हुआ मार्जी और टॉमी जो हैं उस वर्ल्ड में जीते हैं जहाँ पर मोस्टली द वर्ल्ड इज़ रन बाय रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स अब क्या है वहाँ पर फ़िज़िकल स्कूल नहीं होते फिज़िकल स्कूल ना होने का मतलब ये होता है कि आप ज, जैसे कि आप सुबह सुबह रोज उठते हैं और बिल्डिंग्स जिन्हें स्कूल कहा जाता है वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए बट अब क्या है ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है घर पे ही स्कूल होता है क्यों क्योंकि हर किसी के पास अपने पर्सनलाइज टीचर्स हैं जो कि एक रोबोट है वो आपको क्या करेगा आपकी स्पीड के हिसाब से आपके एज के हिसाब से उसको सेट कर दिया जाएगा ठीक है फिर क्या होगा आपके एज के हिसाब से वो आपको हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करेगा राइट अब जब हम बीएड करते हैं जब हम टीचिंग का कोर्स करते हैं तो हम एक बात समझाई जाती है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर बच्चे की अपनी डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती है लर्निंग की स्पीड होती है तो टीचर को क्या करना पड़ता है हर बच्चे को अगर वो चाहती है बहुत अच्छा रिजल्ट मिले तो उसको पर्सनलाइज अटेंशन देना होगा मतलब हर एक के पास वन टू वन कॉन्वर्जेसन करके उसको एक उसके हिसाब से उसको पढ़ाना होगा अब 50, 30, uh, 60 बच्चों की क्लास में ये तो पॉसिबल है नहीं इसलिए क्या होता है वी टीच इन ग्रुप्स एंड ट्राई एज मच एज़ कि हम हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को समझ पाए बट अब क्या है इस वर्ल्ड में जो रोबोट है वो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही सेट किया जाएगा और वो आपको उसी तरह से पढ़ाएगा अच्छा लग रहा है ना सुनने में बट अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सबसे पहला है ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है जिसमें क्या होता है मार्जी जो है वो एक डायरी लिख रही होती हैं अब लिखने का मतलब ये नहीं कि वो पेन और पेपर पे लिख रही हैं वो बेसिकली फीड कर रही होती है कंप्यूटर में वो अपने वर्ड पैड पर वो काम कर रही होती है उसमें लिखती हैं कि उसमें वो क्या बोलती हैं आश टॉमी को एक बुक मिली वही बुक आ, पता नहीं शायद वो तो पहले ज़माने में इस तरह की बुक्स को यूज़ किया जाता होगा ठीक है तभी इस बात से वो इस बात को भी कनेक्ट करते हैं कि उनके ग्रैंडफादर फादर उनके दादाजी ने उनको पहले भी बताया था कि उनसे उनके ज़माने में क्या होता था लोग कंप्यूटर्स पे वर्ड पैड्स पर नोट पैड्स पर नहीं पढ़ते थे रोबोट्स उनको नहीं पढ़ाया करते थे पहले बुक्स हुआ करती थी और टीचर्स हुआ करते थे राइट तो फिर मार्जी uh, ने जब ये अपनी डायरी में लिखा तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है शी गोस टू टॉमी राइट और टॉमी क्या करते हैं उस बुक यानी वो जो बुक उनको मिली है उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं अब इस बुक का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है येलोइश है क्रिंकली है क्रिंकली मतलब जिसमें क्रिंकल्स पड़े हुए हैं जिसमें रिंकल्स पड़े हुए हैं बहुत ही सिकुड़ी सिकुड़ी सी है ऑफ कोर्स पुरानी है तो सिकड़ी होगी राइट right? तो फिर क्या होता है वो उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए क्या करते हैं तो मार्जी उस बुक को देखती है बोलती है कि ये क्या चीज़ है मतलब तो बोलते हैं कि ये बुक्स है जो पहले ज़माने में वो लोग यूज़ किया करते थे तो वो बोलते कि वो इस बुक को देखती है और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग पहले बुक्स पढ़ा करते थे और एक बार जब उनका बुक्स वो पढ़ लिया करी पूरा काम ख़त्म हो जाए तो तुम इसको फेंक दो ये तो बहुत बड़ा वेस्ट है राइट तो टॉमी बोलता है वेस्ट तो है और वो ये भी बोलता है कि मुझे देखो मेरे कंप्यूटर्स में सारी की सारी बुक्स फी फीड है मेरे पास जो कंप्यूटर में लाइब्रेरी है उसमें सारी बुक्स फ़ीड है मुझे जो पढ़नी है मैं उसे पढ़ लेता हूँ उसे बंद कर देता हूँ वो अपने आप लाइब्रेरी में रहती है मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हैं और 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 भी ज़्यादा बुक्स लेने की कैपेबिलिटी है तो इतने में मार्जी सोचती है हाँ हाँ ये बात सही कह रहा है क्योंकि मार्जी छोटी होती है उन्होंने अभी बुक्स पढ़ी नहीं होती मार्जी होती है टेन की एंड टॉमी होते हैं थर्टीन की तो उन ऑलरेडी मार्जी से ज़्यादा बुक पढ़ी होती है इसलिए वो बोलती है हाँ हाँ यू आर सेंग राइट फिर क्या होता है तो मार्जी का क्या होता है फिर हम नेक्स्ट सीन में जंप करते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि मार्जी क्या कर रही है आ, उसमें उस बुक के अंदर जब टॉमी उस बुक को देख रहे होते हैं तो उस बुक में मार्जी टॉमी से पूछती है कि ये जो बुक है वो किस बारे में तो है तो टॉमी बताते हैं ये स्कूल्स के बारे में है तो मार्जी जो होती है बहुत कंटेम्पचुअस हो जाती है कंटेपचुअस मतलब क्या होता है उनको गुस्सा आ जाता है कोई इंसान स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा अब आप इस लैंग्वेज से ही समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हेट करती है स्कूल जाना या फिर स्कूल में पढ़ना क्योंकि जाना तो होता नहीं था तो फिर हम उधर से जम करते हैं मार्जी की एक प्राइवेट स्टोरी पर क्या बताया जाता है कि मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है क्यों नहीं पसंद है क्योंकि वो बता रही है कि आजकल क्या हो रहा है उनके जो रोबोटिक टीचर हैं उनको जोग्राफ़ी में लेसन दे रहे हैं ठीक है अब क्या हो रहा है वो रोज़ रोज़ क्या करते हैं उनको टेस्ट दे देते हैं मार्जी को और रोज़ रोज़ टेस्ट के चक्कर में मार्जी को समझ में तो आता है नहीं है और ना वो उस टेस्ट को कर पाती है रोज़ रोज़ क्या होता है उस कंप्यूटर में स्लॉट्स हैं स्लॉट्स मतलब बेसिकली कंपार्टमेंट्स है जिसमें आपको अपना होमवर्क और अपना टेस्ट रखना होता है टीचर क्या करेगा उसको अंदर लेगा और उसे मिनटों में प्रोसेस करके आपको आपका रिजल्ट बता देगा तो दिन ब दिन मार्जी की परफॉर्मेंस तो गिरती जा रही थी जोग्रफी टेस्ट में तो इसको देखते हुए इनकी मदर ने क्या किया उनकी मदर ने बोला नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है तो वो क्या करती है रोबोट को ठीक करवाने वाले इंसान को ही बुलाती है मतलब जिनको बोला जाता है काउंटी इंस्पेक्टर ठीक है ऐसे इंस्पेक्टर को बुलाती है अब इस इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है क्या डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है एक छोटा सा राउंड सा बंदा है जिसका फेस रेड है ठीक है वो आता है उसके पास क्या है एक टूल बॉक्स है जिसमें हर तरह के वायर हर तरह के टूल्स रखे हुए हैं वो आता है और कंप्यूटर को क्या करता है निकालता है उसे ठीक करने लगता है अब वो सिंस इंसान है तो ही हैज़ नेचुरल इमोशंस तो वो बच्ची को देख के हंसता है मारजी चाहती थी कि उनका जो कंप्यूटर है ना उनको महीनों के लिए लेके चला जा जाना चाहिए क्यों क्योंकि उन्होंने एक बार टॉमी से सुना था कि उनका हिस्ट्री का जो था वो कंप्यूटर ख़राब हो गया था विच इज़ बाय महीनों तक क्या था वो कंप्यूटर बाहर ही पड़ा था वो रोबोट बाहर ही था और उनको पढ़ना नहीं पड़ा था तो वो भी चाहती थी कि सेम कोइंसिडेंस इनके साथ भी हो जाए बट ऐसा हुआ नहीं वो जो रेड फेस इंसान था उसने मिनटों में क्या किया कंप्यूटर ठीक करके दे दिया और उनकी मदर की तरफ़ देखते हुए कहा कि बच्ची की कोई गलती नहीं है ठीक है बच्ची के सर पर दो बार ऐसे ऐसे हाथ थपथपा और बोला कि इनकी कोई गलती नहीं है एक्चुअली कंप्यूटर की ही स्पीड जो थी वो 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 ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही गियर हो गई थी और बच्चे को 10 साल के जो कंप्यूटर है उसको 10 साल के बच्चे के हिसाब से वो ज़्यादा आगे एडवांस पढ़ा रहा था विच इज़ वाई अब उनको वापस से ट्यून कर दिया गया है उसी स्पीड पर नाव इट इज़ गुड टू गो ठीक है वो फिर बच्चे की तरफ़ देख के स्माइल करता है और वो चले जाते हैं अब क्या था कंप्यूटर सही हो गया था और वो अपनी जगह पे था मतलब फिर से जोग्राफ़ी लेसन्स थे नेक्स्ट सीन में क्या होता है जो टॉम था मार्जी फिर से टॉमी के पास जाती है ठीक है और सिंस जो मार्जी है मतलब टॉमी है उस बुक को पढ़ रहे मतलब पढ़ रहे होते हैं सोच रहे होते हैं कि किस तरह की कि क्या है तो मार्जी उनसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हें मिली कहाँ तो वो बताते हैं एटिक में एटिक मतलब क्या होता है बेसिकली स्टोर रूम होता है ना घर में उसे एटिक कहा जाता है ठीक तो अटेक में उनको क्या मिली है ये बुक मिली है तो ये बोलती है कि ये जो बुक है वो बिल्कुल भी नॉर्मल बुक्स की तरह नहीं है अब इन लोगों के लिए नॉर्मल क्या है आपने देखा होगा जो हम लोग आईपैड पे पर पे मतलब जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें आपको क्या करना पड़ता है बस फ्लिक करना पड़ता है आपका पेज पलट जाता है वर्ड्स जो है थोड़ा बहुत डांस करते हैं उसी हिसाब से बट यहाँ पर वर्ड्स जैसे कि तैसे वैसे ही हैं अब आपको पन्नों को पलटना पड़ रहा है तो बोलती है किस तरह की बुक है बिल्कुल भी वैसी बुक नहीं है जैसे नॉर्मल बुक्स होती हैं राइट फिर क्या होता है टॉमी को बताते हैं कि ये जो बुक है ये स्कूल के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि कैसे उस टाइम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें हज़ा मतलब हज़ारों बच्चे एक साथ जाया करते थे पढ़ने के लिए हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स हुआ करते थे और वो टीचर्स और कोई नहीं मशीन्स नहीं हुआ करती थी वो टीचर्स इंसान हुआ करते थे इस बात पर मार्जी एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाती है इंसान वो ये कहना चाहती हैं और वो ये कहती हैं कि इंसानों के पास इतनी नॉलेज कहाँ होती है जितनी मशीन्स के पास नॉलेज है नाउ शी इज़ राइट अब कंप्यूटर के पास जितनी नॉलेज है जितने मिनटों में वो चीज़ों को प्रोसेस कर सकता है वो उतने मिनटों में हम प्रोसेस तो नहीं कर सकते बट इवन देन तो क्या नाम है वो बोलता है कि हाँ ऐसा है बट उस टाइम पे क्या होता था टीचर्स होते हैं आ, ये वाली जो बात होती है ना कि जो इंसान होते हैं उनके पास कम नॉलेज होती है वो टॉमी कहते हैं कि यार इंसानों के पास तो कम नॉलेज होती है उनको टीचर्स कैसे बनाया गया है तो इस बात पे मारजी कहती हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है जो इंसान है ना आ, उनके पास भी उतनी नॉलेज हो सकती है मेरे फ़ादर को देख लो मेरे फादर भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल है तो टॉमी इस बात पर बोलते हैं हाँ नॉलेज होगी ऑलमोस्ट कंप्यूटर जैसी होगी बट कंप्यूटर के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती ठीक है तो इस बात पे वो थोड़ी सी हो जाती हैं और फिर बोलती है अच्छा ठीक है शी डजन्स वॉन्ट टू बी साउंड ऑफेंडेड तो वो बोलती है अच्छा ठीक है फिर क्या होता है वो एक और बार बोलती है कि यार ये जो टीचर्स है वो इंसान है मैं थोड़ा ना चाहूँगी कि मेरे घर में एक स्ट्रेंज सा बंदा रहे और वो मेरा टीचर्स हो तो टॉमी बोलते हैं तुम्हारे घर में क्यों रहेगा टीचर पहले के टाइम पे टीचर्स घर में नहीं रहते थे बच्चों के एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पर वो पढ़ाया करते थे फिर लोग अपने अपने घर चले जाया करते थे जैसे वो और भी ज़्यादा कुछ पूछती इतने में क्या होता है मारजी की मम्मी की मम्मा जो होती है वो उनको बुलाने लगती है कि मारजी आप आ जाओ आपके हिस्ट्री लेसन का टाइम हो गया है तो वो टॉमी की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या मुझे बुक पढ़ने को मिलेगी तो टॉमी बोलता है ठीक है ले जाओ तो वो बोलती है ओके okay. जब वो जाती हैं अपने हिस्ट्री लेसन लेने के लिए तो हिस्ट्री जो रोबोट होता है तो वो बेसिकली बोलता है कि अपना इस स्लॉट में अपना होमवर्क सबमिट कर दो और uh, क्या नाम है अब uh, हिस्ट्री का नहीं अब तुम्हारी अरिथमेटिक की क्लास होगी जिसमें वो प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस को एडिशन ऑफ्स कुछ बता रहे होते हैं ठीक है तो इतने में क्या होता है जब वो ये सब बता ही रहे होते हैं ऐड करने को उनको सम दिया ही होता है कि मार्जी जो होती है वो डीप लाइन ऑफ थाट में खो जाती है वो सोचती है यार कितना अच्छा होता होगा ना कि इतने सारे बच्चे एक साथ मिल पढ़ रहे हैं एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं और हंस रहे हैं खेल रहे हैं पढ़ाई आज की तरह मोनाटनस नहीं है मोनाटनस ना होना मतलब सब एक जगह बैठे हुए हैं एक ही बंदा देख रहा है कोई बात करने के लिए कर, को, कोई नहीं है कोई डिस्कशन करने, करने के लिए नहीं है हंसी खुशी नहीं है बस ये टीचर बोल रहा है और मैं सुन रही हूँ राइट right? तो वो इस बात को सोचती है और वो सोचती है कि कितना अच्छा होता होगा ना उस टाइम का एजुकेशन सिस्टम एंड विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड ओके फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन बाय बाय